देखो, मैं सबसे पहले इस देश के प्यारे सज्जनों, सरनारियों और युवाओं का दिल से धन्यवाद करता हूं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक कन्याकुमारी से यात्रा निकली। बहुत लोग उल्टा सुल्टा बोल रहे थे, कहां चल पाएंगे, भाग जाएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा कि कोई नेशनल लीडर 155 दिन 3500 किलोमीटर चल रहा है, और उसके साथ देश के बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज हम दिल्ली में प्रवेश किए। दिल्ली कहा जाता है दिलवालों की दिल्ली है, और यहाँ दिल से लोगों ने प्यार के साथ, एक समर्थन के साथ राहुल गांधी जी की इस यात्रा का स्वागत किया है। मैं दिल्ली वालों का धन्यवाद करता हूँ। लगातार 3 दिन से हम हरियाणा में थे। सुबह 6 बजे कड़ी ठंड, फॉग, सारी सिचुएशन थी, फिर भी लोग हरियाणा के भी वहां पे राजस्थान बॉर्डर पे डटे हुए थे। पूरा मैदान भर दिया गया था। राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है जो दल के हित से ऊपर देश के हित को मानते हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में अगर जाति, भाषा, प्रांत, मजहब के नाम पे जहर घोला गया तो देश को नुकसान होगा। सिर्फ चुनावी राजनीति और शासन लेना मेरा आखिरी गोल नहीं है, राष्ट्र का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। और उन्होंने इसके चलते ये यात्रा का प्लान किया कि जिस यात्रा में कोई भेदभाव नहीं, सब प्यार से जुड़ रहे हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। सर, विपक्षी पार्टियों के सांसदों को, फ्लो लीडर्स को भी चिट्ठी लिखी, सांसदों को चिट्ठी लिखी राहुल गांधी ने आने के लिए, क्या मतलब समझा जाए कि सब विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश है इस मुद्दे पर? देखिए, वक्त की मांग है। एक अहंकार से भरा शासन चल रहा है, लोगों के पास रोजगार है नहीं, रुपया लुढ़क गया है, अर्थतंत्र बर्बाद हुआ है। किसान हो, युवा हो, जवान हो, छोटा व्यापारी हो, हर कोई परेशान है। तो लाइक माइंडेड पार्टीज को जरूर साथ होके देश के लिए, संविधान बचाने के लिए लड़ना चाहिए। और इसमें, इस यात्रा में तो हम किसी को मना नहीं करते हैं। हालांकि मोदी जी और अमित शाह जी में वो ताकत तो नहीं कि एक दिन के 30-35 किलोमीटर वो चल पाए राहुल जी के साथ, पर 2 किलोमीटर भी चल के आके देखे, लोगों को गले मिला के देखे, अपने टाइट कॉर्डन के बीच में अपने मन की सुनाने की बजाय लोगों के मन की, जैसे राहुल जी सुन रहे हैं, हम उनको भी सुविधा कर देंगे, आए यात्रा में चले और देखें क्या है। सर, आदित्य ठाकरे आए यात्रा के अंदर, सनी मोदी भी आई, स्टालिन ने तो खुद ही इस यात्रा की शुरुआत करी, और आगे भी आप लोग लाइक माइंडेड पार्टीज को बुला रहे हैं, तो क्या 2024 की एक झलक जो है यहाँ से मिल रही है? देखिए, हम ये राहुल जी की यात्रा सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है। मैंने आपको कहा कि दल के हित से ऊपर देश का हित, एकता का संदेश, ये इसकी थीम है। और इसी को लेके जब राहुल गांधी जी चल रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं, वो उनका संदेश है। और आप भी खोलिए, नफरत मिटाइए, आप भी प्यार की दुकान खोलिए। और लोग खोल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। लोग कहते थे कि अरे गुटबाजी है, कांग्रेस जुड़ती नहीं, भारत क्या जुड़ेगा। आपने देखा होगा कल एक पिक्चर बहुत वायरल हुआ कि हुड्डा जी का हाथ पकड़ के रणदीप सुरजेवाला जी चल रहे हैं कि कहीं बुजुर्ग आदमी है, उनका ख्याल रखना है। तो वो प्यार है कांग्रेस में, लोगों में प्यार है। आपने देखा होगा कि हिंदू और मुसलमान, कल एक बहन जो मुस्लिम बहन थी, बुरखे वाली थी, और हाथ में शिव जी की मूर्ति, उसको लगा कि राहुल जी को शिव जी की आराधना पसंद है, तो शिव जी की मूर्ति वो देने आई। वो ये भारत जोड़ो यात्रा की सफलता है। आखिरी सवाल आपसे सर, आज कॉर्नर मीटिंग है एक लाल किले, लाल किले पे से संबोधित करेंगे राहुल गांधी, 2024 में भी, 2024 के बाद भी संबोधित करेंगे लाल किले से? मेरा सीधा सवाल, सटीक सवाल आपसे यही है। देखिए, हम राहुल गांधी जी को अगर समझ पाए तो असलियत ये है कि वो दूसरे नेताओं के जैसे नहीं है, खुदगर्ज नहीं है। शासन हत्या लेना आखिरी गोल नहीं है, सेवा की साधना है। अगर प्रधानमंत्री बनना ही गोल होता तब तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था, आइए राहुल गांधी जी बनिए प्रधानमंत्री, मेरी सेहत ठीक नहीं है, UPA 2 के दौरान। राहुल गांधी जी ने कहा, नहीं, आप ही बने रहेंगे, मैं संगठन का काम देखूंगा। तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनना, वो बीजेपी की नीति होती है। PM इन वेटिंग को गुरु कहते थे, वो वेटिंग वेटिंग रह गए, उसकी राजकीय हत्या करके चेला चढ़ बैठा प्रधानमंत्री बन के। तो प्रधानमंत्री बनना आखिरी गोल नहीं है, पर देश की जनता चाहती है
कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने और देश की जनता के आशीर्वाद से राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और सत्ता के लिए नहीं सेवा की साधना करके वो दिखाएंगे।